कॉपर की वायर है सर, ये कॉपर है, ये इसी का गेज है, ये एल्युमिनियम है, ठीक है। इस एल्युमिनियम के अंदर आप वजन देखो, इसका 96 ग्राम वजन है इस हालत में, और इसका 32 ग्राम है। सही है, इसमें कम पैसा खर्च होगा, फिर पैसा खर्च होगा तो बिजली तो पास नहीं होगी ना। इसकी रेजिस्टेंस है 1.6, इसकी रेजिस्टेंस है 2.7, वो भी जब इसके बराबर होगा तब 2.7, इसका वेट इसकी मेजरमेंट के बराबर होगा 2.7 आएगा। ये तो कॉपर है, अंदर से लेके बाहर तक कॉपर है पूरी, ये ठीक है 96 ग्राम है और 32 ग्राम, ये दोनों का गेज एक है। इसके अंदर एक सपोर्ट देने के लिए लोहे की तार इस्तेमाल की जाती है, जिसका जो वजन है, इसका एक तार का वजन है 0.55 ग्राम, और उस लोहे की तार का वजन उतने ही हमने जब लिया तो 1.55 ग्राम है, मतलब, और उसकी रेजिस्टेंस 600% ज्यादा है, एल्युमिनियम से 600% ज्यादा है, कॉपर से 600% ज्यादा है। तो अब अंदाजा लगा लो इसमें से बिजली कितनी गुजर रही है, आपके तो बिजली तो पहुंची ही नहीं है कंज्यूमर की तरफ, जो आपने इतने सेंट आउट यूनिट दिखाए और फिर आपने बोला कि जनाब हमारे को ये लॉस हो गया। मैं आगे ये बता रहा हूं कि लॉस बताया उन्होंने कि हमें इतने, हमने तो सेंट आउट यूनिट तो इतने निकाले लेकिन वो चोरी हो गए रस्ते में। अब चोरी नहीं हुए, आपकी बिजली गुजरी नहीं इसमें से, जाया होगी इसमें से, जानबूझ के जाया की गई है, इसमें से जाया हुई है, निकली नहीं है, और आपने पूरे इल्जाम कराची का आवाम के ऊपर ठोक दिया। इसमें 68% गुजरी नहीं है, जबकि 22% दिखा रहे हैं, 26% दिखा रहे हैं लॉसेस, इसमें से 68% गुजरी नहीं है बिजली। नहीं, ये आप कैसे, आप देखिए, अब मैं बताऊं, अब ये कॉपर का है, सही, आलमी जराए जितने भी हैं, देखें एक आप माफिया है, आलमी माफिया है जो अपने मैनु अपनी जो बताने के लिए टेक्निकल चीजों को छुपाती है, जितने भी आप उठा के देख लेंगे दुनिया के नेट के ऊपर, आप जितने भी आप इसके ऊपर किताबें पढ़ लेंगे और इसके ऊपर आप वो पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि एल्युमिनियम इस्तेमाल के लायक नहीं है किसी तरह भी कमर्शियल में। घरेलू में इस्तेमाल हुआ था लेकिन क्योंकि इसमें जलने के इतने वाकयात हुए 70 में कि उसको खत्म कर दिया गया। आलमी कानून के तहत एल्युमिनियम इस्तेमाल नहीं हो सकता, और पब्लिक सेक्टर में तो हो ही नहीं सकता। आप घर के अंदर मना कर दिया तो पब्लिक सेक्टर में मना है। अब इस कॉपर के लिए यह भी नामौजू है, इन दोनों का वजन अभी भी बराबर नहीं है। अब अंदाजा लगा लो कितनी मोटी है, महंगा है वो, सस्ता है। देखिए सस्ते की बात नहीं है, इसकी लाइफ 30 साल है, इसकी लाइफ 1 साल है, इसकी लाइफ 30 साल है, इसकी लाइफ 1 साल है, तो कौन सा महंगा पड़ा आपको यार? आप मुझे बताएं ये महंगा है या ये महंगा है? 30 साल से ऊपर चले हैं मेरे ख्याल में, जब ये 30 साल से ऊपर 40 साल तक चलती हैं। अगर इसका बियर टेस्ट सही होता रहे, टाइम के ऊपर सफाइयां इनकी होती रहे, को ग्रीसिंग होती रहे, सब कुछ होती रहे, तो ये 1 साल भी नहीं चलती। और उसके अंदर एक और मसला भी है, जब इसके अंदर रेजिस्टेंस आता है, ये इनकी मशीनें पूरी क्यों नहीं चलती हैं? वो इस वजह से नहीं चलती, अगर पूरी मशीनें चलेंगी तो ये जल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाएगी, गर्म होकर पिघल जाएंगी। ये सबोटाज है, पाकिस्तान को सबोटाज करने के लिए आलमी जो साक्षी अनासर ने ये एल्युमिनियम कंडक्टर जानबूझ के घुसेड़ दिया अंदर। अब एएसआईआर के साथ ये वायरिंग कर रहे हैं, एसीएसआर है, एल्युमिनियम कोटेड स्टील वायर इस्तेमाल की जा रही है, उसके ऊपर लाइसेंस भी जारी कर दिया, जबकि आलमी कानून कहता है ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब इसके अंदर यह है, इन्होंने पहले तो सबसे पहले यह बताया कि जनाब हमारे पास जो एक यूनिट है बिनकासिर वन 18 से 32 साल पुराना है, ये 94% इस्तेदाद पे चलाया गया है जून के महीने में। शदीद गर्मी थी, ट्रिपिंग शदीद हुई, 2300 ऑन रिकॉर्ड हलाकतें हैं और 4000 अन रिकॉर्ड है हलाकतें हुई हैं, ठीक है, उसका उसको छुपाने के लिए इन्होंने जून में बताया रिकॉर्ड, मतलब केईएसी की तारीख में आज तक इस तरह की मशीनें नहीं चली जो इस जून के महीने में इन्होंने दिखा दी चलाते हुए। तो मैंने तो ये सवाल करना था, फिर जब इनका निकाला टैरिफ क्वार्टर टैरिफ था, उसके अंदर इनका जब मैंने पैसे निकाले कि इन्होंने ईंधन का खर्चा कितना पर यूनिट किलोवाट पड़ा इनको, तो 6 रुपए 22 निकला है, 6 रुपए 22 पैसे, 3 रुपए इनके दीगर अखराजात हैं, कितने हो गया सर 9 रुपए 22 पैसे, 9.5। इनको पहला स्लैब जो अभी मार्च के अंदर में मिला है, पहला स्लैब वो 14 रुपए कुछ पैसे है, मतलब 4.5 रुपए से लेके और 11 रुपए तक का इनको प्रॉफिट दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, सही है,
जब प्राइवेट इदारा नहीं था ये जब गवर्नमेंट की तहदीन में था तो बदनीयत एहलकारों ने, क्योंकि सबसे ज्यादा डकैती इसमें, इस केस को इसलिए नहीं उठाया जा रहा, आसिम साहब ने सब कुछ उगल दिया है लेकिन के इलेक्ट्रिक पर हाथ नहीं डाला जा रहा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के ऊपर हाथ डालने का मकसद है कि पिछले 40 साल के गुड़े मुद्रे खुदेंगे कि जितना कुछ होता आ रहा है 40 साल के दरमियान ये सब खोल गया, क्योंकि के इलेक्ट्रिक वाला तो सबको बोलेगा ना। वो तो बात ठीक है, आपको एक और बात बताऊं, ये आर्मी दहशतगर्दी किस तरह हो रही है, इकोनॉमिक टेररिज्म असली ये है कि नेपरा जो 2005 के अंदर यूएस, आपको सबको पता होगा यूनाइटेड स्टेट इस वक्त सुपर पावर और सबसे तरक्की याफ्ता कौम है, उनका जो भी काम है मेरे ख्याल से सबसे सबके सामने है, कोई आया है कोई झका छुपा नहीं है, तो उन्होंने तरक्की की है तो कुछ ना कुछ किया है तो तरक्की की है। यूएस एड वालों ने नेपरा को साथ कोलेबरेशन की 2005 में, ठीक है कि जनाब हम नेपरा की इस्तेतात अच्छी करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए हम इसमें उनको तरबियत देंगे और उनको माली इमदाद फराहम करेंगे। आज क्या हो गया है, 2015 है, तकरीबन 10 साल गुजर गए। आप देख लें बिजली आपके घर में है तो क्या हो रहा है, यूएसए हमारे पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है या हमारे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूएसए इस्तेमाल हो रहा है। इन नेपरा वालों ने जो वहां पे क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं या दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं तो ये क्या करके आ रहे हैं, इन्होंने 10 सालों में हमारी तवानाई के शोबे का बेड़ा गर्क क्यों किया, ये नेपरा है। आज आप देख रहे हैं, आज ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, नेपरा बोल रही है 41% पे चला है, ब्रेकिंग न्यूज मैं नहीं चला रहा, नेपरा ही वाले चला रहे हैं, बल्कि उनको नेपरा से पूछना चाहिए भाईजान आप क्या कर रहे थे जब से आपकी एस्टेब्लिशमेंट बनी है, आप क्या कर रहे हो यहां पे, आपने अपनी कानून की पासदारी क्यों नहीं करी, आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि इनके अंदर क्या कहते हैं वो काली भेड़े घुसेड़ दी गई हैं ताकि हमारे पाकिस्तान को खोखला कर दो, हमारे पास किसी जंग करने की अब जरूरत नहीं है, सब हाथ पांव फूले हुए आपके एजेंसियों के, अगर आप देखा जाए सबके हाथ पांव फूले हुए कि पाकिस्तान को उनके हाथ से निकल गया, ये जो जितना भी कुछ करे जा रहे हैं तो थोड़ा सा काम है उनके हाथ, उनको पता है कि आज ये सिर्फ अपने जनरेटिंग स्टेशन पूरे चला दें आपकी सारी को ये जो ट्रांसमिशन लाइनें बैठ जाएंगी गिर जाएंगी, वो तो कह एक दफा ही आपकी पूरी पाकिस्तान की गिर जाएंगी एल्युमिनियम से।